आज के एपिसोड में हम जानेंगे भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। इस भौतिक जगत में जो आता है वह पहले ही अपनी मृत्यु का समय निश्चित करवा के आता है। जो यहाँ सांसारिक सुख भोगने के लिए जन्मा है वो वापस अवश्य जाएगा, परंतु मृत्यु की बात भगवान पर लागू नहीं होती। भगवान अदृश्य या अंतर्लीन होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। तो जानते हैं भगवान राम कैसे इस भौतिक जगत से अदृश्य हुए थे। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राम धर्म का संदेश देने के लिए अवतरित हुए थे। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम से संबंधित अनेक कथाएं लिखी हैं, जिनके द्वारा कलयुग में लोगों को भगवान को जानने का अवसर मिलता है। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 वर्षों तक शासन किया। अपने पूरे जीवन काल में भगवान राम ने अनगिनत महान कार्य किए, जिनके द्वारा उन्होंने लोगों को एक आदर्श जीवन जीने का संदेश दिया। भगवान राम के राज्य में प्रजा अत्यंत प्रसन्न एवं संतुष्ट थी। वह माता पिता दशरथ व कौशल्या के आदर्श पुत्र तथा धर्म पत्नी सीता के लिए एक आदर्श पति थे। तो आखिर क्या कारण था कि भगवान को सब कुछ त्याग कर लोप होना पड़ा? पद्म पुराण में उल्लेखनीय एक कथा के अनुसार एक दिन भगवान राम के दरबार में एक वृद्ध संत का आगमन हुआ, जो भगवान से व्यक्तिगत रूप से कुछ बात करना चाहते थे। राम ने निवेदन स्वीकार किया तथा एक कक्ष में चर्चा करने के लिए गए। उस कक्ष के द्वार पर अपने सहोदर लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा कि चर्चा में व्याधि डालने वाले को मृत्यु दंड प्राप्त होगा। लक्ष्मण ने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया। उल्लेखनीय है कि वह वृद्ध संत कालदेव थे, जिन्हें विष्णु लोक से भगवान राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि धरती लोक पर उनकी समय अवधि समाप्त हो चुकी है और उन्हें अब वापस जाना होगा। जब चर्चा चल रही थी, उसी समय ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से अंदर जाने के लिए कहा, परंतु भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और लक्ष्मण को चेतावनी दे दी कि यदि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो वह राम को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण चिंतित हो गए कि भाई की आज्ञा का पालन करें या उन्हें श्राप से बचाएं। संकट में पड़े लक्ष्मण ने सोचा, यदि वह स्वयं अंदर चले गए तो मृत्यु दंड भुगतना पड़ेगा और राम श्राप से बच जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, परंतु अपने भाई को चर्चा में बाधा डालते देख भगवान राम धर्म संकट में पड़ गए। राम ने फिर लक्ष्मण को राज्य तथा देश छोड़कर जाने को कहा, जो मृत्यु दंड के ही समान माना जाता था। परंतु लक्ष्मण के लिए अपने भाई से दूर रहना संभव नहीं था, तो उन्होंने स्वयं ही यह संसार छोड़ने का निर्णय ले लिया। वह सरयू नदी में समा गए और नदी के अंदर अनंत शेष का अवतार लिया और विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर गए। भ्रात प्रेम में डूबे भगवान राम को लक्ष्मण के बिना एक क्षण व्यतीत करना भी अच्छा न लगा। तब भगवान राम ने शासन छोड़कर इस लोक से चले जाने का निर्णय लिया और सरयू नदी की ओर चले गए। राम सरयू नदी के तल तक जाकर अदृश्य हो गए और कुछ देर बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान राम लोप हो गए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी अनेक पौराणिक कहानियों के साथ।